हेलो दोस्तों, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज आईपीएल का 25वां मैच खेला जाएगा जो कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा और ये मैच जो है मुंबई के घर यानी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। पिछले मैच की अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के, तो मुंबई ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है पॉइंट्स टेबल में। उन्होंने अपने घर पे ही दिल्ली कैपिटल्स को हराया था और बहुत बड़ा टारगेट रखा था। रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में जिस तरह से धमाका मचाया था उसके चलते उन्होंने 235 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में जो दिल्ली कैपिटल्स थी 205 ही बना पाई थी। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से हराया था। उस मैच में विराट कोहली ने 113 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जवाब में जॉस बटलर ने शतकीय पारी खेलते हुए जो आरसीबी है उसको हार थमा दी थी। तो एक टीम हार के आ रही है और एक टीम जीत के साथ अपना खाता खोल चुकी है, और फिलहाल आरसीबी जो है वो 4 लगातार हार देख चुकी है और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब वो किस तरह से आगे कई जो सिलसिला है वो लेकर के चलती है। यहाँ पे उनके लिए जीत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वो हारते जाएंगे उनका जो टूर्नामेंट में आगे जाने का आप कह सकते हैं क्रम है वो और घटता जाएगा या कम होता जाएगा, तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच डिटेल की, और मैच डिटेल क्या है उसके बाद बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। MI वर्सेस आरसीबी वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। इसको आप स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा में 7:30 बजे से देख सकते हैं। हेड टू हेड कंपेरिजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा जो है थोड़ा भारी नजर आता हुआ दिखता है। 32 मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले जा चुके हैं अभी तक, जिसमें से 18 बार मुंबई को जीत हासिल हुई है और 14 बार आरसीबी ने इसमें जीत हासिल की है। तो यहाँ पे अपना जो रिकॉर्ड है मुंबई का वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ हम इंपॉर्टेंट स्टैट्स देख लेते हैं। कोहली को 4 बार बुमराह ने और 3 बार चावला ने आउट किया, यानी पीयूष चावला ने आउट किया, लेकिन उन्होंने बुमराह के खिलाफ 152 से ज़्यादा और चावला के खिलाफ 130 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है, तो आउट भी किया है और रन भी बने हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इक्वली मैच हो रही हैं, ठीक है। आईपीएल में भी बुमराह ने मैक्सवेल को 5 बार आउट किया है, तो मैक्सवेल के खिलाफ बुमराह का जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा, और मैक्सवेल का भी इस सीजन में अभी तक कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। रोहित और क्विंटन डिकॉक के बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए 1200 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी ओपनिंग जोड़ी है। रोहित और किशान के बीच पहले विकेट के लिए 12 अर्से तक है, जो आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा है। क्विंटन डिकॉक जब मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे तब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग आते थे, तब वहां पे बहुत शानदार रिकॉर्ड था। अब उसके बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच में ये रिकॉर्ड बन गया है। मोहम्मद सिराज ने अभी तक आईपीएल में रोहित को आउट नहीं किया है 52 गेंदों में 68 रन, जबकि उन्होंने किशन को 40 गेंदों में 50 रन के लिए 2 बार आउट किया है। दूसरी ओर सिराज के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट जो है वो गजब का है, 225.92, मतलब लगभग 226 का स्ट्राइक रेट है। 27 गेंदों पर 61 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुए हैं, तो थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा सिराज को सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो काफी शानदार है। आगे देख लेते हैं मुंबई का फुल स्क्वाड आपके स्क्रीन पे है, इसके बाद हम चलिए बात कर रहे हैं प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, किराल क्वेडसी और पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह हैं। तो ये रही मुंबई की प्लेइंग 11। हम आरसीबी का फुल स्क्वाड देख लेते हैं, ये आपके सामने आरसीबी का फुल स्क्वाड है। इसके बाद दिल्ली बात कर लेते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, हर्षद पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल या विल जैक्स, यहाँ पे मौका मिल सकता है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का भी सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। कैमरन ग्रीन है, सौरव चौहान या सुभाष प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक, रीस टॉपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज या यश दयाल, तो इनमें इन खिलाड़ियों को प्रोबेबल प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। बाकी 7 बजे बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से चेंज वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेयर्स टू वॉच, जसप्रीत बुमराह और मुंबई इंडियंस के अन्य गेंदबाजों के बीच काफ़ी अंतर रहा है, नो डाउट। किसी भी टीम में आप ले लीजिए, रहेगा ही रहेगा वो जिस क्वालिटी के गेंदबाज है। बुमराह का औसत 19.60 और इकोनॉमी रेट 6.12 का है, जबकि अन्य का औसत 3.60 और उन्होंने प्रति ओवर 11 से अधिक रन बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। टीमों ने बुमराह को आराम से खेला है, जबकि दूसरे गेंदबाजों पर हमला करने की कोशिश की है, जैसा कि उन्होंने कैपिटल्स के खिलाफ दिखाया था। मुंबई ने पारी के दौरान अपने ओवरों को कैसे फैलाया यह तय करता है कि वे नुकसान से कितना सीमित करने में सफल होते हैं, ठीक है। बुमराह के अलावा जाहिर सी बात है कि जो आरसीबी के बल्लेबाज है वो बाकी गेंदबाजों को टारगेट करने जाएंगे। कैमरन ग्रीन अब उस जगह पर वापस लौटा है जहां पे आईपीएल 2023 जो रहा है वहां पे वो काफ़ी सफल रहे। 76.33 की औसत से 172 की स्ट्राइक रेट से 229 रन बनाए थे सीजन के पहले। उन्हें मुंबई द्वारा आरसीबी में ट्रेड किया गया था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में ऊपर और नीचे भेजा गया था, लेकिन अभी भी वो बल्ले से कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। बुमराह को उनके पास एक
छोटा सा गेंदबाजी स्पेल था जहाँ पे उन्होंने 20 मिनट की बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, जहाँ हर चीज को लगभग उसने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की थी। अब वो क्या वानखेड़े स्टेडियम में मतलब अब वो अपना जो फॉर्म है उसको बदल पाएंगे या नहीं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के को अधिक सहयोग प्रदान करते हुए नजर आती है। यहाँ शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल और मूवमेंट मिलता है, लाल मिट्टी के विकेट में होता है तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है रात में, उस कारण यहाँ चेस करने वाली टीम को फायदा होगा। जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी वो उम्मीद यही करेंगे कि गेंदबाजी करने का पहला तो फैसला करेगी। या इस पिच पर जो पहली पारी का औसत स्कोर है वो 162 का है, तो आपको यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। ग्राउंड सेट की बात कर लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में अभी तक आईपीएल में 2 मैच देखने को मिले हैं। यहाँ पर पहली बैटिंग करने वाली और दूसरी बैटिंग करने वाली दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीते हैं। अगर पहली इनिंग का पहला मतलब एवरेज टोटल देखा जाए तो 180 है, वहीं अगर सेकंड इनिंग का अगर एवरेज टोटल देखा जाए तो 166 है। अभी तक हाईएस्ट टोटल 234 रन मुंबई इंडियंस ने बनाया था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और लोएस्ट टोटल भी मुंबई इंडियंस ने ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था 125 9 विकेट के नुकसान पे। आखिरी में देख लेते हैं फैंटेसी टीम क्या हो सकती है। विकेट कीपर में मैंने ईशान किशन और दिनेश कार्तिक को शामिल किया है, वहीं बैटर्स के रूप में मैंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैव और सूर्य कुमार यादव को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल और रोमारियो शेफर्ड को जगह दी है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और यश दयाल को मैंने मौका दिया है, और कप्तानी मैंने रोहित शर्मा को दी है और उप कप्तानी मैंने हार्दिक पांड्या को दी है। हार्दिक पांड्या का अभी तक सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन अब घर पर खेल रहे हैं तो घर पर यहाँ पर उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ पे जगह दी। वो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन देखने की उनसे उम्मीद होगी। प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे मुंबई का पड़ा थोड़ा सा मुझे भारी नज़र आता हुआ दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हेड टू हेड कंपेरिजन भी हमने देखा था, और जिस तरह से आपको घर में पिछला मैच हमने देखा था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, तो आरसीबी के लिए इतना आसान नहीं होगा इस जगह पे उनको हराना। तो मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि मुंबई जो है वो ये मैच जीतेगी। वैसे आपका क्या मानना है, यहाँ पे कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। शाम को आप मैच एंजॉय करिए, मैच के बाद हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे, तब आपका कोई सवाल होगा तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।